अभी हम आपको ऑर्पेट टाइम पीस सीरीज़ के मूवमेंट को रिप्लेस करने का तरीका बताने जा रहे हैं। उसके लिए आपको इन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, टू पार्ट स्क्रू ड्राइवर, वैक्यूम कप, कटर और सेलो टेप। सबसे पहले हम वैक्यूम कप की मदद से ग्लास को बाहर निकालेंगे। ग्लास बाहर निकल जाने के बाद हैंड्स को एक साथ करके बाहर खींच लेंगे। हैंड्स निकल जाने के बाद हम बैक कवर पे जो एडजस्टर दिया है उसे खींचेंगे। उसके बाद बैक कवर के सभी स्क्रूज को निकालेंगे। इस तरह से हमारा बैक कवर फ्रंट कवर से अलग हो जाएगा। उसके बाद कटर की मदद से हम मूवमेंट के वायर्स को काटेंगे। वायर कट हो जाने के बाद मूवमेंट को हम टू पार्ट स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो दो स्क्रू दिए गए हैं उसे खोलेंगे। इस तरह से हमारा मूवमेंट टाइम पीस से अलग हो जाएगा। अब हम नया मूवमेंट फिट करेंगे। फिट करने के लिए मूवमेंट को उसकी दी गई हुई पोजीशन में फिट करके दोनों स्क्रूज को टाइट करेंगे। स्क्रू टाइट होने के बाद अब हम वायरिंग करेंगे। वायरिंग कलर कोड के हिसाब से करेंगे। रेड वायर को रेड वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। ब्लैक को ब्लैक के साथ और ग्रे कलर के वायर को ग्रे कलर के साथ अच्छी तरह से जॉइन करके ट्विस्ट करके कनेक्ट करेंगे। अब सेलो टेप की मदद से कनेक्शंस को हम कवर करेंगे। अब हमारा वायरिंग हो गया है। वायरिंग को अच्छी तरीके से रख के बैक कवर को पहले अब हम हैंड्स को फिट करेंगे। हैंड्स फिट करते समय ध्यान रखना है कि अब हम घड़ी में हैंड्स फिट करेंगे। हैंड्स को हल्के से प्रेस करके फिट करना है।
चेक कर लेना है कि हैंड्स अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद ऊपर के तरफ ग्लास को फिट करना है। अब हम बैक कवर को फ्रंट कवर के साथ फिट करेंगे। एडजस्टर को फिर फिट करेंगे और इस तरह से हमारा टाइम पीस में मूवमेंट रिप्लेस हो गया है।